संसद के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा भयानक विरोध, किसी ने कल्पनाओं में भी नहीं सोचा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद भवन छोड़ करके भागना पड़ेगा। पूरी वीडियो आपको फिर से दिखाएंगे, लेकिन किस तरह से आज की जो घटना हुई है यह अपने आप में झकझोर देने वाली है। पूरी घटना आपको तफसील से बताते हैं। हुआ यूं कि संसद के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और श्रद्धांजलि देने के बाद में वहां पर सांसदों से बातचीत कर रहे थे नरेंद्र मोदी। लेकिन इसी बीच में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान, इन्होंने अपने हाथ में पोस्टर निकाला और पोस्टर पर लिखा हुआ था, काले कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो। ये पट्टी वहां पर लहराई और लहरा करके वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी, और उसके बाद में तो जो हुआ वो वाकई देखने लायक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां से बातचीत खत्म करके भागने को मजबूर होना पड़ा। किस तरह से वीडियो जो है चंद मिनटों के अंदर वायरल हो रही है, और लोग कह रहे हैं कि वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुरे दिन आ गए हैं, उनका इस तरह से विरोध हो रहा है किसी ने सोचा नहीं था। आप खुद से एक बार पूरी वीडियो दोबारा देखिए। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं, वापस लो। प्रधानमंत्री जी अन्नदाता ले लीजिए, लाखों किसान ठंड में मर रहे हैं सर, अन्नदाताओं सर, अन्नदाता मर रहे हैं सर, अन्नदाता मर रहे हैं। तीनों कानून वापस लो, वापस 12:30 रात को एमएसपी। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी सुनिए, एमएसपी की गारंटी दो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं, वापस लो। प्रधानमंत्री जी मोदी सरकार किसानों के लिए कानून लेकर के आई और उन कानूनों का विरोध शुरू हो गया दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर। आज 30 दिन पूरे हो गए हैं, 30 दिनों से लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए प्रधानमंत्री के पास में कोई समय नहीं है। और देश के अलग अलग हिस्से में 6 राज्यों के 2 करोड़ किसानों के साथ में मोदी सीधा संवाद करने वाले हैं। आप बताइए कि दिल्ली में आए हुए किसानों से कोई बात नहीं कर रहा है, उनके पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचते हैं, या मीडिया के 2 कैमरे ले जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे सीधा संवाद नहीं करते हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्से में 2 करोड़ किसानों के साथ में वो सीधा संवाद करते हैं। आप बताइए कि प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता वो है कि आपके घर की दहलीज पर कोई आकर के आपसे बात करना चाहता है उसके आप सुने, या फिर जो व्यक्ति आपसे कोसों दूर बैठा है, किलोमीटरों दूर बैठा है, उसकी आप सुने। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वो अपने आप में प्राथमिकता दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता क्या है। लेकिन सांसद संजय सिंह ने जो है ये ट्वीट भी किया है, यही वीडियो ट्वीट किया, और उन्होंने लिखा है, बहरे कानूनों को सुनाने के लिए, तानाशाह सरकार को जगाने के लिए संसद में प्रधानमंत्री के सामने किसानों के हक में हंगामा, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, अन्नदाता को आतंकवादी कहना बंद करो। ये वहां पर जो है वो नारे लगाए गए। आपको एक बार फिर से बता दें कि क्या क्या नारे लगाए गए। पहला नारा लगाया गया किसान विरोधी काला कानून वापस लो, ये पहला नारा लगाया गया। दूसरा नारा लगाया गया एमएसपी की कानूनी गारंटी दो, ये दूसरा नारा लगाया गया। किसानों को आतंकवादी बंद कहना बंद करो, ये भी नारा जो है वहां पर लगाया गया। पूंजीपतियों के लिए लाया गया कानून वापस लो, ये भी सांसद संजय सिंह के द्वारा जो है वो कहा गया। प्रधानमंत्री जी, उसके बाद में जो है प्रधानमंत्री जी वहां से बाइकॉट करने लगते हैं, वहां से निकलने लगते हैं, वहां से निकलने लगते हैं। इसी बीच में भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिल्ला करके कहा, और वैसे तो वो सुन ही रहे होंगे क्योंकि वहां पर बिल्कुल सन्नाटा रहता है, पिन ड्रॉप साइलेंस रहती है, और लोग खुसर फुसर बात करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वहां पर चिल्ला करके वहां पर नारा लगाया गया, क्योंकि आज जो है वो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था। वैसे अनुमोदन संसद कभी जो है वो इस तरह से शांत नहीं होती, वहां पर चिल्लम चिल्लात खूब होती है। भगवंत मान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी इन कानूनों को वापस लीजिए, लाखों किसान ठंड में मर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सुनिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहां सुनने वाले थे, वो तो सीधा दौड़ करके वहां से निकल गए, इससे पहले कि कुछ जो है उनके ऊपर
स्याही फेंकने का या कुछ और दूसरे तरीके से विरोध हो जाता, इससे पहले वो वहां से निकल गए। लेकिन सवाल यही उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का लगातार विरोध हो रहा है, जगह जगह पर विरोध किया जा रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहे। ऐसे में आज जो है संसद के सेंट्रल भवन में उनका ये विरोध, और भगवंत मान ने और संजय सिंह ने जिस तरह से वहां पर नारेबाजी की है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि यह किया जाना सही था, या आपको लगता है कि नहीं, इससे जो है प्रधानमंत्री पद की वहां पर गरिमा जो है उसको ठेस पहुंची है और ऐसा नहीं किया जाना था? अब सवाल यही उठता है कि संजय सिंह के खिलाफ और भगवंत मान के खिलाफ वहां पर कोई कार्रवाई भी की जाती है क्या? क्योंकि जिस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये नारे जो है उस कहे गए, तभी जो है वहां पर लोकसभा अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे ओम बिरला, और कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद भी वहां पर मौजूद थे, बड़े नेता जो है वो वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में सांसद संजय सिंह ने और भगवंत मान ने जो किया है, क्या उसको लेकर के उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी की जाती है? क्योंकि संसद के अंदर का मामला था और वो खुद भी सांसद है, तो सवाल यही है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है, उसके बावजूद जो है इस विरोध को अनसुना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक तरफा जो बात कहने के लिए जाने जाते हैं, वो बात लगातार वो कह रहे हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन एजेंडे को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एमएसपी की गारंटी दो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो, पूंजीपतियों के लिए लाखों किसान ठंड में भिड़ रहे हैं, वापस लो। प्रधानमंत्री जी, अन्नदाताओं को लीजिए, लाखों किसान ठंड में मर रहे हैं सर। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।